हो पब्लिक सुन लो कमल को चुन लो कमल जीत जाएगा तुम्हारे काम आएगा कमल जीत जाएगा तुम्हारे काम आएगा झाड़ू को तोड़ दो हाथी को जोड़ दो झाड़ू को तोड़ दो हाथी को जोड़ दो कमल जीत जाएगा तुम्हारे काम आएगा। वार्ड के मोहम्मदपुर गांव में स्थानीय महिलाओं के द्वारा आयोजित किए गए कीर्तन समारोह में केंद्रीय राज्य विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिलाओं के साथ भजन भी गाया और पूजा आरती भी की। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के आने से स्थानीय महिलाओं का जोश बढ़ा और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नारे भी लगाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील भी की। इस मौके पर मीनाक्षी लेखी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से मुनीरका वार्ड की प्रत्याशी एक महिला है और लगातार महिलाओं का उनको साथ भी मिल रहा है, इससे साफ पता लगता है कि आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रही हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि मुझे इस तरीके के कार्यक्रम में जाने का बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन जब भी मैं ऐसे कार्यक्रम में शामिल होती हूं तो भजन कीर्तन कर एक सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण भी करती हूँ। मंडली का पहले से समर्थन है, मैं खुद उस मंडली में शामिल हूँ, तो महिलाएं तो महिलाओं का समर्थन करती हैं और साथ ही सबको बहुत प्रसन्नता है कि महिलाओं में से चुनकर गांव में से चुनकर हमने अपने कैंडिडेट दिए हैं, तो सबके भी मन में बहुत प्रसन्नता है। आज आपने भी आरती किया, भजन किया। जी मुझे ये सब करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन सबके बीच जब बैठती हूँ तो कुछ चीज़ों के मतलब अच्छा लगता है, मन भी ऐसा लगता है। जैसे प्रोग्राम ज़्यादा बीजेपी के ही जो नेता हैं वो करते हैं, अन्य पार्टी नहीं कर पाती, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे सांसद आप रहे हो, ऐसे हम जनता के बीच से निकले हुए लोग हैं, हमने जीवन ऐसा जिया है। ना तो मैं पहली बार कीर्तन मंडली में जा रही हूँ, ना ही गांव में पहली बार आ रही हूँ, बचपन से अब तक इसी समाज के निकले हुए लोग हैं, तो माओ को पहले कीर्तन में जाते हुए देखा, चाचियों को जाते हुए देखा, घर में कीर्तन होते हुए देखा, तो जब आप उनके बीच जाते हैं तो वही माहौल दोबारा आपके मन को छूता है और आप आते हैं। रमा भी हमारी जो बेटी है वो ऐसे ही इसी माहौल की, इसी गाँव देहात की लड़की है, तो उसको भी कभी अटपटा नहीं लगेगा, लगता अपने ही लोगों के बीच बैठे हैं। मेरे को भी बड़ा मन रहता है सबके बीच में, भाई जरा मंजू को भेजना। मन लग रहा है, माताओं का प्यार, बहनों का प्यार बढ़ चढ़ के मिल रहा है, ऐसा लगता है कि अब सिर्फ जीतनी होगी, भारी मतों से जीत होगी। और एक चुनाव प्रचार के बीच मंडली के बीच आपने भी भजन कीर्तन किया, नृत्य किया? नृत्य किया है, भजन नहीं आते। कितना आशीर्वाद मिला, क्या आश्वस्त है? हाँ जी, अब तो माताओं का इतनी भीड़ देख के ही हिम्मत बढ़ रही है, प्यार मिल रहा है, तो अब टेंशन भी नहीं है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, तो हाँ मैंने कहा ना जीतेंगे, नहीं सिर्फ भारी मतों से जीतेंगे।